नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन से इज टू फोर्सेस F1 जो अपने को दिया हुआ 3i कैप माइनस 4j कैप इन न्यूटन एंड F2 माइनस 1i कैप माइनस 2j कैप अगेन इन न्यूटन एक्ट्स एक्ट ऑन अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इन द गिवन फिगर विच ऑफ द 8 वेक्टर रिप्रेजेंट्स F1 एंड F2 हमें बताना है कि इस फिगर में F1 एंड F2 कौन से हैं। दूसरा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्सेस। सो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे सो F विल बी इक्वल टू F1 प्लस F2। यहाँ पर जो नेट फोर्स आएगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। नाउ अपने को यहाँ पे दिया हुआ है F जो है दैट इज 3i कैप माइनस 4j कैप F1 और आपका F2 जो दिया है वो अपने को दिया है माइनस आई कैप और माइनस 2j कैप। ये दोनों आपके न्यूटन में है भले। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो आपका जो फोर्स बनेगा इन दोनों को ऐड करके वो आएगा 2i कैप और -6j कैप। इसके जब मैग्नीट्यूड की बात होगी एफ का मैग्नीट्यूड सो दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर यानी कि हो गया आपका अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 36 यानी कि अंडर रूट 40। तो चार ऑप्शन देखें तो आई थिंक ऑप्शन नंबर 3 इसी में अंडर रूट 40 है। सो दैट शुड बी आर राइट आंसर। पर एक बार इसके डायरेक्शन और समझते हैं। सो जब हम ये कहते हैं कि आपका मान लीजिए ये y एक्सिस है और ये आपका x एक्सिस है। सो जब भी हम वेक्टर्स पॉइंट करते हैं थ्योरी में हमने इसको कवर किया हुआ है कि जब भी हम वेक्टर्स करते हैं तो कोई भी वेक्टर जो इस डायरेक्शन में होएगा उसको हम लिखेंगे उसका i कैप प्लस आएगा और प्लस उसका j कैप होएगा। कोई भी वेक्टर जो इस डायरेक्शन में होएगा उसका i कैप आपका प्लस होएगा और j कैप उसका नेगेटिव होएगा बिकॉज ऑफ द सिंपल रीजन कि यहाँ पे आपका माइनस y एक्सिस है। इस डायरेक्शन में कोई भी वेक्टर होएगा तो उसका माइनस आई कैप और माइनस जे कैप होएगा। इस डायरेक्शन में कोई भी वेक्टर होएगा सो दैट विल बी माइनस आई कैप और जे कैप उसका प्लस आएगा। अगेन ये वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि वो एग्जैक्ट 45 के एंगल पे अगर दोनों बराबर हुए या एंगल 30, 60, 37, 10, 12, 20, 40 वॉट एवर एंगल है उसके बेसिस पे आपका स्लोप चेंज हो जाएगा। नाउ इस केस में चेक कर लेते हैं कि आपका जो F1 है उसमें आई कैप आपका प्लस है जे कैप माइनस है तो इस डायरेक्शन में होना चाहिए माइनस जे कैप इधर आता है। सो विच मीन्स 5 या 6 में से कोई एक आपका ऑप्शन होना चाहिए। यहाँ पे ये कह रहा है 5। हालांकि इस ग्राफ को देख के अगर ये स्केल पे प्लॉटेड है मुझे एंगल समहाउ 45 दिख रहा है जो कि नॉट ड्रॉन टू स्केल होएगा। सो बट 5 या 6 में से होना चाहिए। लेट्स से ये 5 है। सेकेंड वैक्टर है जो माइनस आई कैप और माइनस जे कैप है यानी कि इस डायरेक्शन में होएगा। सो तो मे बी 7 इसका तो रिप्रेजेंटेशन है बिकॉज अगर ये 3 और 4 रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो शायद ये 1 और 2 रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो दैट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर 3 वुड बी द राइट आंसर। ऑल दो आई वुड से कि 5 जो है वो थोड़ा सा इधर डाउन होना चाहिए बिकॉज ये 53 का एंगल आएगा है ना। सो ये 45 दिख रहा है। सो बट दैट्स फाइन। सो ऑप्शन नंबर 3 वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम।